बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। यूनियन बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 1 फरवरी को यूनियन बजट प्रेजेंट होगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ये बजट प्रेजेंट करेंगे और उससे पहले देश कोरोना की तीसरी लहर से डील कर रहा है। ऐसे में जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, बैंकिंग सेक्टर, इन सभी में कहीं ना कहीं उम्मीद जाग रही है कि आने वाले बजट में कुछ ऐसे कदम सरकार उठाए जिससे कि ये जो रिकरिंग कंसर्न है, बार बार आने वाला कोरोना का संकट, इससे डील करने के लिए सरकार इन सभी सेक्टर्स को कुछ मदद प्रोवाइड कर सके, कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। हमने आपसे एग्रीकल्चर सेक्टर की उम्मीदों के बारे में बातचीत की थी कि आने वाले बजट से क्या कुछ उम्मीदें एग्रीकल्चर सेक्टर रख सकता है। आज मैं बात करने वाली हूं रियल एस्टेट सेक्टर के एक्सपेक्टेशंस के बारे में। रियल एस्टेट सेक्टर करीब 10 साल बाद एक यूनिक पोजीशन पे अपने आप को देख रहा है, जहां पर एक तरफ इन्वेंटरीज गिर रही हैं, दूसरी तरफ सेल्स बढ़ रही हैं, डिमांड अच्छी हो रही है और साथ ही साथ अगर आप देखें उम्मीद इस तरीके से भी आगे बढ़ रही हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स है, जो प्रॉपर्टी प्राइसेस है वो भी अच्छे बढ़ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स भी अपनी ऊंचाई पर जा रहे हैं और रियल एस्टेट की तरफ दोबारा से रुझान जा रहा है लोगों का इन्वेस्टमेंट की तरफ भी। तो ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर की उम्मीदें और भी बढ़ गई है आने वाले यूनियन बजट से, जिससे कि ज्यादा सपोर्ट और ज्यादा इस सेक्टर को एनेबलिंग फैक्टर मिल पाए आने वाले यूनियन बजट से। तो क्या कुछ उम्मीदें यहां पर बन रही है? सबसे ज्यादा एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के लिए, रेंटल हाउसिंग के लिए कुछ ना कुछ कदम जरूर सरकार उठाती हुई इस बार के यूनियन बजट में नजर आएंगी। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर से भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, उसके बारे में भी आपसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले जो रियल एस्टेट बिल्डर्स हैं वो ये मानते हैं कि जो टैक्स डिडक्शन अभी मिलता है होम लोन बोरोअर्स को 2 लाख रुपए तक की, उसकी लिमिट को बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दी जाए। अगर ये होता है तो बहुत सारे ऐसे होम लोन बोरोअर्स हैं जो कि ज्यादा से ज्यादा होम लोन लेने में इंटरेस्टेड होंगे। क्रेडाई जो कि रियल एस्टेट की बॉडी है, उनका भी ये मानना है, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखकर ये अर्ज किया है कि इस बार के यूनियन बजट में रीट्स के लिए, यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए, इन्वेस्टमेंट्स पर कुछ ना कुछ इंसेंटिव दिए जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग रीट्स में निवेश करने के लिए आगे बढ़ सके। डेवलपर्स ये भी मानते हैं कि इस बार के आने वाले यूनियन बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग की जो भाषा है, जो डेफिनेशन है, इसे बदल कर केवल इसमें टिकट साइज का प्रयोग किया जाए, ना ही एरिया का। इस तरीके के कोई भी अनाउंसमेंट्स अगर आते हैं तो डेफिनेटली इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात होगी। कैपिटल गेन्स टैक्स को कम करने की लगातार बात हो रही है, उम्मीद यह है कि सरकार को इसे कम करना चाहिए। साथ ही साथ रेंट हाउसिंग स्कीम के लिए कुछ नए प्रोविजंस लाने के भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इस बार अगर सरकार इस तरीके का कुछ भी कदम लेकर आती है तो रेंटल हाउसिंग सेगमेंट को काफी बूस्ट मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही डेवलपर्स का यह भी मानना है कि रियल एस्टेट सेक्टर को एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस प्रोवाइड किया जाए जिससे कि उनको कम ब्याज पे फाइनेंस मिल पाएगा, ज्यादा से ज्यादा उनको फाइनेंसिंग ऑप्शंस मिल पाएंगे, मल्टीपल टैक्स बेनिफिट्स उनके पास होंगे, साथ ही साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को भी बढ़ावा मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर में भी, क्योंकि ये क्रिटिकल सेक्टर है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एग्रीकल्चर भारत में एक ऐसा सेक्टर है जो कि सबसे ज्यादा जॉब्स प्रोवाइड करता है। रियल एस्टेट एग्रीकल्चर के बाद दूसरा सबसे बड़ा जॉब्स प्रोवाइड करने वाला या एम्प्लॉयर सेक्टर माना जाता है, इसीलिए इकोनॉमी के लिए ये काफी क्रिटिकल सेक्टर भी माना जाता है, क्योंकि जॉब्स क्रिएशन में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है और बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। अब इस सेक्टर के लिए उम्मीदें तो बहुत सारी हैं, लेकिन फाइनल बजट स्पीच तक कौन कौन से ऐसे कदम हैं जो पहुंचेंगे या जो सरकार लेगी, इसके लिए तो आपको 1 फरवरी का ही इंतजार करना होगा। लेकिन इस तरीके की सभी एक्सपेक्टेशंस जानने के लिए या फिर बजट में क्या कुछ आने वाला है, आपको इसकी कैसे तैयारी करनी है, इसको समझने के लिए अगर आप वीडियोज देखना चाहते हैं तो बिजनेस टुडे के साथ जुड़ जाइए। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बाकी हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी कि ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास शो में जुड़ने के लिए। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।